यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा की बात करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। वहीं इस दौरान हुड्डा ने जन क्रांति रथ यात्रा के तीसरे चरण का ऐलान किया। हुड्डा ने कहा कि रथ यात्रा का तीसरा चरण 30 तारीख को मेवात से शुरू होगा। वहीं हुड्डा ने खिलाड़ियों को जो खेल नीति है उसे लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों से मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि नियति का पता नहीं लेकिन इनकी नियत में खोट है। हुड्डा ने सरकार को यू टर्न सरकार भी बताया। हुड्डा ने अपनी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। वर्ग जो है इस सरकार से विमुख हो चुका है। गांव में आप देखें, शहर में देखें, जैसे हम आए जब उस पे रोड शो में पानीपत शहर में, रात को 10-10 बजे तक कई कई हजार आदमी, मतलब ये अद्भुत सी बात है। कोई मेरा राजनीतिक तजर्बा काफ़ी है लेकिन जो अब के मैं देख रहा था रिस्पांस, पहले कभी हमारे को इतना रिस्पांस नहीं मिला और इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। आप खिलाड़ियों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इनको इनकी नीति का पता ही नहीं है, इनकी नियत खोट में है। नीति तो होती है, निर्णय की जाता है, जैसे हमने किया था भाई पदक लाओ पद पाओ, सीधी नीति थी। अब इनकी नियत जो है नियत पे शक करने लगे और भद्दा मजाक खिलाड़ियों के साथ।